गांव में उन लोगों ने खाकी के इस कुर्ते को दीवार पर टांग रखा था। मुझे कहा गया कि ये मेरे नाना जी की है। मैंने पूछा वो कब लड़े थे, तो उन्होंने बताया कि वो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़े थे। हमारे अनुमान से युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिक लड़े थे और सबसे अहम बात यह है कि करीब 75,000 सैनिक शहीद भी हुए थे। ये बहुत बड़ा बलिदान था। वॉर खत्म होने तक इंडियन सैनिक तैनात किए जा चुके थे यूरोप में, इजिप्ट, पैलेस्टाइन, मेसोपोटामिया, ईस्ट अफ्रीका और यहां तक कि चाइना में भी। 1914 में सितंबर से दिसंबर तक भारतीयों ने ब्रिटिश लाइन का एक तिहाई हिस्सा संभाल रखा था। ये सोचने वाली बात है कि अगर उस वक्त इंडियंस नहीं होते तो क्या होता। Byju's Keep Learning presents India's Forgotten Army, co-presented by Nexa. Create, inspire. आप जब नॉर्दर्न फ्रांस की और बेल्जियम की उन बैटलफील्ड से गुजरते हैं तो आपको न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, यूनाइटेड स्टेट्स के मेमोरियल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको भारतीय सैनिकों के योगदान का कोई जिक्र नहीं मिलेगा। तो जब तक हम खुद इस योगदान को सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक दुनिया को भी पता नहीं चलेगा। इसीलिए हम फ्रांस में एक मेमोरियल बना रहे हैं उन भारतीय सैनिकों की याद में जो फ्रांस में और फ्लैंडर्स में शहीद हुए थे। बहुत बढ़िया। मेरे पास इस वक्त उस मेमोरियल का एक स्केच है। इसमें आर्टिस्ट ने वो पेडेस्टल दिखाया है जिस पर ये बिठाया जाएगा। जिस जगह पर ये मेमोरियल बनाया जा रहा है उसे कैम्ब्रे कहते हैं, और 1917 की बैटल ऑफ कैम्ब्रे में एक भारतीय घुड़सवार टुकड़ी इसी जगह पर लड़ी थी। ये बहुत जरूरी है कि हमारा अपना मेमोरियल हो जिसकी मदद से हम उन शहीदों को याद कर सकें और उसके जरिए हम फ्रांस और यूरोप के लोगों को ये बता सकें कि 100 साल पहले उनकी आजादी के लिए उनके सैनिकों के साथ भारतीय सैनिक भी लड़े थे और उनमें से कई सैनिकों ने अपनी जान भी दी थी। तो ये वो वर्दी है और यहाँ वो बेल्ट लगाते थे। ये वर्दी मेरे नाना जी की है। मैं उस वक्त शायद 8-9 साल का था या 10-11 साल का, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर मेरे गांव में घर वाले एक पुराने बक्से को निकाल कर साफ कर रहे थे। उसमें से उन्होंने एक खाकी कुर्ते को निकाल कर दीवार पर टांग दिया। मैंने देखकर कहा कि ये तो एक वर्दी लग रही है, ये किसकी वर्दी है? तो उन्होंने कहा ये तुम्हारे नाना जी की है। फिर मैंने पूछा कि वो कौन सी लड़ाई में लड़े थे, तो उन्होंने कहा वर्ल्ड वॉर 1। जी का नाम सरदार बलखा सिंह था और साल 1900 में वो 7th हरियाणा लैंसर्स में थे। मुझे उनसे अपनी मुलाकात याद है। उम्र के साथ उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो स्वाहिली भाषा के कुछ शब्द भी बोलते थे, क्योंकि वो ईस्ट अफ्रीका में तैनात थे, लेकिन मुझे नहीं पता वो वहां पहुंचे कैसे। वो ईस्ट अफ्रीका के शहरों की बातें करते, वहां सैनिक रेल के डिब्बों में सोया करते थे और एक दिन शेर ऐसे ही डिब्बे में घुस गया।
और एक सैनिक को दबोच कर अपने साथ ले गया और मारकर खा गया। मुझे ऐसी कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था, खासकर मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन कर लेने के बाद। मैं उन सैनिकों की कहानियां सुनता जिन्होंने सच में हाथों में बर्छा और तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर युद्ध में हिस्सा लिया था, लेकिन आजकल तो सेरेमनी में इस्तेमाल होते हैं। उस जमाने में ब्रिटेन की सेना बहुत छोटी थी और ब्रिटिश एम्पायर को उस वक्त नेवी सुरक्षा देती थी, इसलिए ब्रिटिश सेना ने उस वक्त रॉयल फैमिली से मदद मांगी। उस जमाने में इंडिया कॉलोनी थी ब्रिटेन की, और इंडियन पॉलिटिशियंस चाहते थे उन्हें दूसरी कॉलोनीज जैसा ही अधिकार मिले, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। उस वक्त उनका ध्यान आजादी की ओर नहीं था। मेरे ख्याल से वॉर के शुरुआत में ये वादा किया गया होगा कि ब्रिटेन इंडिया की इस मांग पर आगे चलकर सोचेगा और ये स्टेटस भी देगा। हाँ, शुरुआत में इंडियन लीडरशिप सर्वसम्मति से उनके समर्थन में थी, जैसे कि महात्मा गांधी, वो युद्ध में इस योगदान का पूरा समर्थन कर रहे थे। और इसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि हमें ये दिखाने के लिए ब्रिटिशर्स का साथ देना चाहिए कि हम सेल्फ गवर्नेंस के काबिल हैं। हमारे अनुमान से इस युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि करीब 75,000 सैनिक शहीद भी हुए थे, साथ ही करीब इतने ही सैनिक गंभीर रूप से घायल या अपाहिज भी हो गए थे। ब्रिटिशर्स के अधीन रहे बाकी देश या कॉलोनी के मुकाबले सबसे ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए थे, फिर भी इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। मैं कहना चाहूंगा कि रेसिस्ट और इंपीरियल आइडियोलॉजी के जमाने में भारतवासी युद्ध में अपने योगदान को, सहयोग को, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी नेशनलिस्ट गोल के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, बल्कि वह इससे कुछ बेसिक धारणाओं को बदलने की कोशिश कर रहे थे, जैसे कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और पाना चाहते थे नेशनल और रेशियल ऑनर। और जैसा कि गांधी जी ने कहा था, स्वराज हासिल करने के लिए गुजरना होगा फ्रांस और फ्लैंडर्स की धरती से, और वो ये भी कहते थे कि इस युद्ध में शामिल होने के बाद भारतीयों को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ गर्व का भी एहसास होगा। पिछले 100 सालों से लोगों का ये कहना था कि भारतीय सैनिकों की अपनी कोई आवाज नहीं रही है, और मेरे नाना जी भी यही कहते थे कि उन्होंने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई है। हमने बहुत से भारतीय सैनिकों की ओरिजिनल राइटिंग्स ढूंढ निकाली हैं, जिससे हमें उनके बारे में बहुत कुछ पता चला। मैं एक भारतीय घुड़सवार सैनिक हरनाम सिंह के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन से मिलने लंदन आया हूँ। उनके परिवार ने एक पब्लिशर की मदद से मुझसे संपर्क किया। उनके पास हरनाम सिंह की एक ओरिजिनल डायरी है जो 100 साल पहले लिखी गई थी, जब उन्होंने युद्ध में हिस्सा लिया था। दिस इज द ऑटोबायोग्राफी। ओह वाओ, इट्स एंड इट्स इन गुरमुखी। इट इज, यस। इसे खुद मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिखा है, सरदार लेफ्टिनेंट हरनाम सिंह भाट। मेरे ख्याल से ये उस ग्रेट वॉर के बारे में किसी भी भारतीय सैनिक द्वारा लिखा गया सबसे पहला अकाउंट होगा। अच्छा। जिसे उनके वंशजों के लिए ट्रांसलेट किया गया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। ग्रेट वॉर, जर्मन दी लड़ाई। मुझे छुट्टी लेकर पंजाब के अपने गांव में आए 2 महीने ही हुए थे, और तभी खबर मिली कि यूरोप में लड़ाई छिड़ गई थी। इसे नाम दिया गया जर्मन वॉर या द ग्रेट वॉर। ब्रिटेन ने फ्रांस की मदद करने का फैसला किया था। इसलिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सभी सैनिकों को तुरंत अपनी रेजिमेंट्स में वापस लौटने को कहा गया। हमें बॉम्बे पहुंचने में 3 दिन लग गए, जहां हमें ले जाने के लिए जहाज तैयार खड़े थे।
समंदर की ऊंची लहरें हमारे जहाज से आकर टकरा रही थीं। कभी कभी तो ये लहरें किसी इमारत से भी ऊंची होती थीं। लगातार झेल रहे इन झटकों से काफी सैनिक बीमार होने लगे और हम सबकी भूख भी मर चुकी थी। ऊपर वाले की दया और आशीर्वाद से उस जहाज पर 22 दिन और रात बिताने के बाद आखिर हम प्रसिद्ध फ्रेंच पोर्ट ऑफ मार्से पहुंच ही गए। लेकिन ब्रिटिशर्स ये काम काफी पहले से हमसे कराते आ रहे थे। वो 19वीं सदी के तीसरे दशक से ही भारतीय सैनिकों को नई कॉलोनीज पर कब्जा करने के लिए भेज रहे थे, तो पहले वर्ल्ड वॉर तक उन्हें इस बात का अनुभव हो चुका था कि भारतीय सैनिकों को जमा करके जहाज में बिठाकर दूसरे देश कैसे पहुंचाना है। सही मायने में ये लोग ही असली हीरोज थे। इंडिया, यहाँ मेरा मतलब है ब्रिटिश इंडिया और सभी प्रिंसली स्टेट्स, जिन्होंने मिलकर 13 लाख लोग, साथ में वर्दियां, साथ में पैक्ड एनिमल्स, खाने पीने का सामान, साथ ही साथ कार्ड्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यहाँ तक कि भारतीय जमीन से रेल की पटरियां भी उखाड़ कर मेसोपोटामिया में लड़ रही ब्रिटिश फौज की मदद के लिए भेज दी गई थी। ज्यादातर सोल्जर्स अपनी समर यूनिफॉर्म में ही आ गए थे क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ जा रहे हैं, इसलिए उनके पास विंटर यूनिफॉर्म्स भी नहीं थी। और वहां पहुंचने के बाद ही उन्हें नई राइफल इश्यू कर दी गई जिनकी ना उन्हें ट्रेनिंग मिली थी और ना ही इस्तेमाल करना जानते थे। तो शुरुआती कुछ दिन उनके लिए बहुत मुश्किल भरे रहे क्योंकि उन्हें बहुत कुछ सीखना था। बेशक उस राइफल की वजह से उन्हें डिसएडवांटेज था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। हमारे कैंप्स में बहुत ठंड थी। ऊपर से हम गर्म देश से आए थे तो हमें ज्यादा ठंड लग रही थी। हमारे पास सिर्फ गर्मी के मौसम वाली खाकी वर्दी थी। हर सुबह आसमान से रुई जैसी नर्म बर्फ बरसती थी और हमारे टेंट्स और सामने का पूरा मैदान बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता था। यूरोप के लोग बहुत गोरे हैं। पता नहीं पिछले जन्म में उन लोगों ने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि उन्हें ऐसा रूप मिला। उन लोगों ने हमारे जैसे गहरे रंग की चमड़ी वाले लोगों को देखा ही नहीं था, पर वो हमारे साथ बहुत ही प्यार और आदर से पेश आते थे। रईस और बड़े ओहदे वाली औरतें भी भारतीय सैनिकों से बहुत ही प्यार से हाथ मिलाया करती थी। इस युद्ध को दो बड़े साम्राज्यों के बीच खून खराबे के लिए खास तौर पर जाना जाता है, लेकिन ये कल्चरल एनकाउंटर की हिस्ट्री में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। हमें एक नौजवान भारतीय सिपाही का खत मिला जिसमें लिखा था कि वो एक बूढ़ी औरत के साथ रहता था जो काफी कमजोर भी थी, और उनके 3 बेटे गए थे युद्ध लड़ने, और वो औरत मुझे रोज नाश्ता दिया करती थी, मेरे जूते साफ किया करती थी, मेरा बिस्तर लगाती थी, और जब मैं घर छोड़कर कहीं जाता था तो वो औरत मेरे लिए रोया करती थी। उस औरत को मैंने कभी अपने बच्चों के लिए रोते नहीं देखा, और फिर जब मैं वहां से जाने लगा तो उसने मुझे 5 फ्रैंक का एक नोट हाथ में पकड़ा दिया। उस वक्त के काफी सिपाहियों ने ऐसी फ्रेंच औरतों के बारे में बताया है जिन्हें वो अपनी माँ मानते थे। काफी सैनिकों को वहां के लोकल लोगों के बीच लोकल फार्म्स में रखा गया था, तो मेरे ख्याल से ये मास इमिग्रेशन का पहला मौका था जब इंडियन और एशियंस यूरोप में यूरोपियंस के साथ रहने लगे थे। इस तरह साथ रहने से आपस में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट वाली फीलिंग आने लगती है। कुछ लव अफेयर्स भी हुए जिसमें फ्रेंच लड़कियों ने भारतीय सैनिकों को अपनाया और फिर उनके बच्चे भी हुए, और ये किसी भी इंडियन के लिए बहुत अहम था क्योंकि इंडिया में आम धारणा ये थी कि गोरों ने हमें गुलाम बना रखा है और ये गोरे हमें नीचा दिखाते हैं, हम इनके रहमो करम पर जिंदा हैं। लेकिन यहाँ यूरोप में फ्रेंच और बेल्जियन लोगों ने उन्हें अपना लिया और बराबर का दर्जा दिया। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ब्रिटिशर्स ने ये फैसला कर लिया था कि इंडिया के कुछ ही तबके के लोग वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसलिए वो पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जैसी कुछ गिनी चुनी जगहों से ही सोल्जर्स को उस वक्त रिक्रूट किया करते थे।
अमृतसर को पंजाब का दिल कहा जाता है, सिखों का सबसे पवित्र शहर। ग्रेट वॉर में हिस्सा लेने वाले ज्यादातर भारतीय सैनिक विभाजन से पहले पंजाब में रहते थे। ब्रिटिशर्स की नजर में वो सबसे बेहतरीन सैनिक थे। हरनाम सिंह, जिनकी डायरी में आपको इस वक्त सुना रहा हूँ, वो भी पंजाब के ही रहने वाले थे। उनकी कहानियां बहुत जानी पहचानी लगती हैं। जिस तरह से उन्होंने चीजों के बारे में लिखा है, उन्हें पढ़ते वक्त लगता है जैसे वो खुद ही सुना रहे हों। आज हम जा रहे हैं रसूलपुर, जहां हरनाम सिंह रहते थे और जहां आज भी उनके परिवार के कुछ सदस्य रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि उनके परिवार वालों से मिलकर उनकी पर्सनालिटी के बारे में मैं और जान पाऊंगा। शायद कुछ रिकॉर्ड्स, तस्वीरें, उनके आर्टिफैक्ट्स, ऐसी कोई भी चीज जिसकी मदद से हम उन्हें बेहतर तरीके से जान और समझ पाए। ये वॉर मेडल है, विक्ट्री मेडल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए। ब्रिटिश इन्हें पिप, स्क्वीक और विल्फ्रेड कहते थे। ये इंडियन जनरल सर्विसेज का है, इसमें एक बार भी है। ये 1919 में अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थर्ड अफगान वॉर के लिए है। ये एक टिपिकल विल्किंसन कैवलरी स्वॉर्ड है। आप इसमें जॉर्ज द फिफ्थ इंपीरियल साइफर यानी GRI और ऊपर ये क्राउन देख सकते हैं। जाहिर है कि इसकी मयान बदल दी गई है, पर इसे काफी अच्छी कंडीशन में रखा गया है। आप लोगों ने सच में बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है। हमारे पास उनकी दूरबीन भी है, पर हम नहीं जानते आपके काम की है भी या नहीं। आप देख लीजिए। हाँ, ये भी उसी वक्त की है, बहुत काम की चीज है। क्या ठीक से काम कर रही है? ये बिल्कुल उसी वक्त की है, लेट 19th सेंचुरी या अर्ली 20th सेंचुरी की। आपको आज भी इस तरह की काफी दूरबीनें देखने को मिल जाएंगी। मुझे लगता है ये फ्रांस में बनाई गई है, क्योंकि इसमें मेकर का नाम लिखा हुआ है, और अगर मैं सही पढ़ रहा हूं तो यह है पेटी पेरी। बहुत अच्छे। इंडिया के एक गांव में इस तरह के आर्टिफैक्ट्स को इतनी अच्छी तरह रखा गया हो, ये आमतौर पर देखने को नहीं मिलता। अक्सर ऐसी चीजें खो जाती हैं, इन्हें कोई संभाल के नहीं रखता। हमने देखा है कि गांव में लोग ऐसी वर्दी को देखते ही सोचते हैं कि ये एक पुरानी वर्दी है, इसे खेत में काम करने के लिए पहन लेंगे। वो इसकी अहमियत नहीं समझ पाते। भारतीय सैनिक सही वक्त पर नॉर्दर्न फ्रांस और बेल्जियम पहुंचे थे, और उनका वहां पहुंचना बहुत ही निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि ब्रिटिश एक्सपेडिशनरी फोर्स एक छोटी सी प्रोफेशनल आर्मी थी। वो सच में बहुत ही छोटी थी, और वॉर के पहले कुछ हफ्तों में ही उस आर्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनके पास फ्रांस और जर्मनी जितनी बड़ी आर्मी नहीं थी। ब्रिटिश के पास रिजर्व ट्रूप्स के नाम पर सिर्फ इंडियन ट्रूप्स ही थे, और उनका वैसे ही इस्तेमाल भी किया गया। ईप्रो और न्यू शपेल पहली दो बहुत अहम लड़ाइयां थी, जिसमें भारी संख्या में भारतीय सैनिकों की जान गई। उनके खतों को सेंसर कर दिया गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भावुक थे। ये वो लोग थे जिनके लिए सब कुछ नया था, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने लिखा था कि चारों तरफ से बम के गोले बरसात की तरह बरस रहे हैं। ये उनके शब्द थे, क्योंकि उन्होंने यही देखा था, फ्रांस की युद्ध भूमि पर उन पर बारिश की तरह बम बरसाए जा रहे थे। नवंबर 1914 में हमें फ्रंट पर जाने का आदेश मिला था। हम रात को पैदल जा रहे थे, जब मेरी रेजिमेंट के सोवर सद्धू सिंह वो पहले शख्स बने जो दुश्मनों की गोली का शिकार हुए। उस बेचारे की वहीं मौत हो गई। हमारे पास कोई चारा नहीं था, हम उनके शरीर को वहीं सड़क किनारे रख कर आगे बढ़ गए। काफी चलने के बाद हम जहां रुके, वहां सामने सांप के आकार के गड्ढे बने हुए थे, और हमें धीरे से बताया गया कि हम बिल्कुल दुश्मन के सामने खड़े हैं।
18 दिसंबर को जिवोशी की लड़ाई शुरू हो गई। हम गड्ढों में छिपे थे। हमारी बाईं तरफ 129th बलूच की एक कंपनी थी। पहला हमला उन्होंने किया था। उनका एक साथी बुरी तरह से जख्मी हालत में पड़ा हुआ था और मदद के लिए अपने लोगों को पुकार रहा था। एक बलोच अपनी जान की परवाह ना करते हुए गड्ढे से निकलकर उस शख्स को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। उसने उसे अपने कंधे पर उठाया और हमारी तरफ आने लगा। वो जख्मी शख्स चिल्ला रहा था, मुझे बचा लो, मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। लेकिन वो दिलेर शख्स उस घायल को हमारे गड्ढे तक ले आया और उसने उसे एक अनजान मौत से बचा लिया। मर्सीज पहुंचने के 2-3 हफ्ते बाद ही ये लोग ईप्रा की लड़ाई लड़ रहे थे, जो कि बहुत ही अहम लड़ाई थी जर्मन्स को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। जर्मन्स बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे थे, जबकि सामने ब्रिटिश फौज की संख्या बहुत ही छोटी थी। इस लड़ाई की वजह से जर्मन्स आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और इससे ब्रिटिश और फ्रेंच को अपनी फौज को रीऑर्गेनाइज करने का और एडिशनल ट्रूप्स को रिक्रूट करने का समय मिल गया, जिससे ये ट्रेंच वॉरफेयर बिना किसी परिणाम के काफी दिनों तक चलता रहा। हालात बहुत ही खराब और मुश्किल थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत जल्द ही खुद को इस परिस्थिति में ढाला और काफी दिलेरी से लड़े। अगर आप ईप्रा की पहली लड़ाई पर ध्यान दें, जो कि 1914 में अक्टूबर के आखिर और नवंबर की शुरुआत में हुई थी, तो आप देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी था जब ब्रिटिशर्स द्वारा जितनी भी जगह लड़ाई जारी थी उसमें 1/3 जगह को भारतीय सैनिकों ने संभाल रखा था, जो कि बहुत बड़ा इलाका था। तो ये सवाल जरूर उठता है कि अगर भारतीय सैनिक वहां ना होते तो क्या नतीजा निकलता। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, वो एक मूवमेंट की लड़ाई थी। एक तरफ जर्मन्स थे, दूसरी तरफ मित्र देशों की सेना। फिर सितंबर 1914 के बाद से लगातार झड़पें होने लगी और हर बार दोनों तरफ से जमीन के अंदर बंकर के रूप में एक अस्थायी सीमा बनाकर ये खत्म होती थी। और इस लाइन में जिस जगह को सिक्योर नहीं किया गया था वो थी ईप्र। इसी वजह से ईप्र की पहली लड़ाई बहुत ही घमासान तरीके से लड़ी गई थी। लेकिन ईप्र की सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो चैनल पोर्ट्स और इंग्लैंड के काफी नजदीक था, बल्कि जब यहां पर लड़ाई खत्म हुई तो बीच में ये शहर था और इसके तीनों तरफ बैटलफील्ड्स थे। इस वजह से ईप्र में रहना बहुत खतरनाक हो गया था। लेकिन ईप्र को छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। हालांकि उन 4 सालों में यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अगर आप आज जाकर इस शहर को देखेंगे तो आपको कुछ भी 100 साल से पुराना नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। यहां 100 साल पहले की कोई निशानी नजर नहीं आएगी। यह पूरी तरह तबाह हो चुका था। जहां तक आबादी की बात है, जब तक इंडियंस यहां पहुंचे इस पूरे शहर को खाली करा लिया गया था। ये देखिए, एक इंडियन जो यहाँ शहीद हुए थे। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि इन्हें यहाँ पर दफनाया गया था या जलाया गया था। हाँ, वो नहीं जानता मैं, पर ये एक कॉन्सेंट्रेशन सिमेट्री है तो सभी को यहीं पर लाया गया था। इसके बाद वाला जो क्रॉस रोड है वो जर्मन फ्रंट लाइन थी, तो आपको वो जगह यहाँ से साफ नजर आएगी। भारतीय सैनिक जब यहाँ आए तो वहाँ एक टीला सा बना था जिसे पार करके वो उस पहाड़ी पर चढ़े और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आए, क्योंकि पहाड़ी के उस पार एक ढलान थी। उस ढलान से नीचे उतरते ही एक चोटी की तरफ वो गए और वहाँ उनका सामना जर्मन से हुआ। जर्मन्स ने गैस के सिलेंडर्स खोल दिए और भारतीय सैनिक मशीन गन की गोलियां और जहरीली गैस के बीच फंस गए। उन्हें खुद को बचाने का कोई मौका नहीं मिला। ये एक बड़ा एग्जाम्पल है जब कॉलोनियल ट्रूप्स को दुश्मन के आगे चारी की तरह इस्तेमाल किया गया।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुई मिलिट्री ट्रेजेडीज 19th सेंचुरी के जनरल्स के माइंडसेट और 20th सेंचुरी के मॉडर्न वॉरफेयर की रियलिटीज के बीच की कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा बताता है। नाइनटीन्थ सेंचुरी के जर्नल्स का माइंडसेट था कैवलरी पहले इन्फेंट्री रास्ता बनाती है फिर कैवलरी आगे बढ़कर हमला कर देती है। ये या तो जीवेंची है या नेवे चैपेल। हाँ। ये यकीनन काफी पहले की फोटोग्राफ है। वो तो है। यहाँ लगभग जितनी भी चीजें डिस्प्ले में रखी हुई हैं, वो सब इसी इलाके में पाई गई हैं। कुछ पहले से म्यूजियम कलेक्शन में थीं और कुछ प्राइवेट कलेक्शंस का हिस्सा है और थोड़ी बहुत चीजें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स से मिली हैं। इंडियन आर्मी से जुड़ी आर्कियोलॉजिकल चीजों का मिलना बहुत ही रेयर बात है। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन से जुड़ी चीजें पब्लिक से ज्यादा प्राइवेट कलेक्शंस में देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी पर नजर डालें तो काफी वक्त तक कॉलोनियल ट्रूप्स की चीजों को म्यूजियम में रखने पर किसी को इंटरेस्ट ही नहीं था, पर अब ऐसा नहीं है। So our multicultural display, right. अगर आप लोकल लोगों से बात करेंगे जब वो इंडियंस को डिस्क्राइब करेंगे तो यही कहेंगे कि वो इंग्लिश ड्रेसअप करते थे, सिर्फ हैट की जगह वो लोग कलरफुल टॉवल पहनते थे, उन्हें पगड़ी के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। ये वो जगह है जहां हम वो मेमोरियल बनाने वाले हैं और यहां पास ही एक छोटा सा इंफॉर्मेशन सेंटर भी बनाएंगे। हम मेन मेमोरियल यहां इस जगह पर बनाएंगे जिस पर इंडियन नेशनल एम्बलम भी होगा। यहां के लोगों पर उस लड़ाई का असर आज भी देखा जा सकता है। आज 100 साल बाद भी भारतीय सैनिकों की कहानियां यहाँ के लोगों में प्रचलित हैं। हेलो हेलो, मैं हूँ विंसेंट प्रिवो। मिलके अच्छा लगा। ये वॉसले फार्म है। हाँ, अच्छा। यही वो मशहूर वॉसले फार्म है जहाँ से होकर इंडियंस गुजरे थे। इस सब को बाद में पेंट किया गया है ना? हाँ। तो अच्छा। जब मैं इस फार्म में आया और आसपास के खेतों में काम करने लगा तो हमें बहुत सारी बुलेट्स, शेल्स और वॉर की बहुत सारी चीजें जमीन में दबी हुई मिली। और उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि यहाँ दरअसल हुआ क्या था। नवंबर 1917 में यहाँ चारों तरफ तबाही मची हुई थी। मेरे ग्रैंडफादर इस वॉर के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। उनके लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। और धीरे धीरे काफी दिनों बाद हमें पता लगने लगा कि आखिर इस गांव में हुआ क्या था। वो मंजर बहुत ही डरावना होगा क्योंकि सबको गांव छोड़कर भागना पड़ा था। जब वापस आए तो देखा कि गांव और खेत पूरी तरह तबाह हो चुके थे। जब ये मेमोरियल तैयार हो जाएगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंडिया में एक म्यूजियम के लिए क्या इनमें से एक हेलमेट मिल सकता है? क्या ये मुमकिन है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे। आप इसे ले सकते हैं। ये हमारी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं। यहाँ बनाए गए गड्ढे करीब 4 फीट गहरे थे जिनमें घुटनों तक पानी भरा हुआ था। ऊपर से हम पर बारिश हो रही थी।
और सामने से लगातार गोलियों की बौछार। अगर बाहर निकलते तो गोलियां खानी पड़ती, अंदर बैठे रहते तो ठंडे पानी में जम जाते। ठंड से हमारे शरीर इतने सुन्न पड़ चुके थे कि गोली से बख्शीश सिंह बोला की एक उंगली उड़ गई थी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला क्योंकि उसके हाथ ठंड से जम चुके थे। मेरे पैर भी सूज गए थे, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। दिन तो जैसे तैसे बीत जाता था, लेकिन रात को चारों तरफ मेरे साथियों की दर्द भरी आवाजें हवा में गूंजती रहती थी। शपेल मेमोरियल ऐसी जगह बनाया गया था जो उस जगह से काफी नजदीक थी जहां मार्च 1915 में भारतीय सैनिकों ने पहली बार जंग लड़ी थी। ये शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए बना एक लौता इंडियन मेमोरियल है। ये शहीद हुए उन सैनिकों के लिए है जिनकी वेस्टर्न फ्रंट में कोई कब्र नहीं है। यहाँ जो नाम लिखा है जमेदार कपूर सिंह, वो 57th वाइल्ड्स राइफल से थे। वो यहाँ आई शुरुआती रेजिमेंट्स में से एक थी जो सीधे लड़ने चली गई थी। वो लोग ईप्रस सेलियंट गए थे बैटल ऑफ ईप्री के दौरान। वो लोग वहाँ टिके रहे जब तक जर्मन्स ने उन्हें खत्म नहीं कर दिया। हर जवान अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और वो उनमें से एक थे। और आखिर में आत्मसमर्पण करने की जगह उन्होंने खुद को गोली मार ली। कैद होना उनके लिए मौत से भी बुरा था। ये सब इस वॉर की एक दुख भरी दास्तां की तरह है। वो हजारों मील दूर एक ऐसी लड़ाई लड़ने आए थे जो उनकी थी ही नहीं। वो अपना फर्ज निभा रहे थे और निभाते निभाते शहीद हो गए। सैनिक इससे ज्यादा क्या कर सकता है। लेकिन मुझे खुशी है कि 100 साल बाद इस मेमोरियल की वजह से हम एक बार फिर उनके बलिदान को याद कर पाएंगे और उनके बलिदान के इस स्मारक को यहाँ फ्रांस में अपने दोस्तों के साथ एक नया संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही आने वाली पीढ़ी को समझा पाएंगे कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता। जब ये बात नॉर्थ में पहुंची तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सेना तो नहीं है, लेकिन हाँ लेबर्स जरूर हैं, तो हम आपको लड़ने के लिए लेबर्स दे सकते हैं। और फिर वो बात मान गए। तुम जानती हो ये क्या है? जी हाँ, ये है इंडियन लेबर कोर। ओके, और ये जगह ये एजलो है ना? हाँ, ये एजलोट की एयरफील्ड ही है, क्योंकि यहाँ रहते वक्त फ्रेंच आर्मी ने यहाँ की बहुत सारी फोटोज ली थी, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। अब इसे ध्यान से देखिए, इसे हम सितंबर में लगाएंगे एजलूट में। तो जिन लोगों ने इसे डिजाइन किया है उन्होंने इसे काफी कलरफुल रखा है, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वॉर से जुड़ी चीजें यहां ग्रे में हैं। तो मुझे बताओ कि तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचती हो? ये सब सुनकर मैं काफी शॉक्ड हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि वर्ल्ड वॉर वन में इंडियंस फ्रांस आए थे। ये सब हिस्ट्री में कहीं नहीं लिखा है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो किया है वो बहुत शानदार है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक कि भारत में भी बहुत कम लोग इंडियन लेबर कोर के योगदान के बारे में जानते हैं। तो जब हम देखते हैं कि फ्रांस में यंग स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इन पर प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इनके साथ जुड़कर मुझे भी अच्छा लगा। जहाँ उन्हें रखा गया है वो जगह बहुत खूबसूरत है। और
इस प्रोजेक्ट की वजह से मुझे लगता है कि लोग फिर एक बार उन्हें याद करेंगे। ग्रेट वॉर में हिस्सा लेने वाले भारतीय सैनिकों में से करीब 74,000 ने फर्ज के लिए अपनी जान दे दी। हजारों सैनिक पूरी तरह से घायल हुए थे, जिनमें से एक हरनाम सिंह भी थे। वो उस गड्ढे में ठंडे पानी में जमे हुए थे। हमें इलाज के लिए इंग्लैंड भेजा गया था, जहां दो वार्ड के लिए एक नर्स की ड्यूटी थी। वो थोड़ी उम्र दराज थी और पूरी रात सभी मरीजों का ध्यान रखती थी। हमारी वजह से इस तकलीफ के लिए मेरे एक साथी ने उनसे माफी भी मांगी थी, तो उनका जवाब था, हमें किस बात की तकलीफ है, हम आराम से अपने देश में बैठे हैं और हमें इस काम के पैसे भी दिए जा रहे हैं। तकलीफ में तो आप लोग हैं, हमारे देश को बचाने के लिए आप अपना देश छोड़कर आए हैं। हम आपके लिए जितना भी कर पाए वो कम ही होगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने एक बात की पोल खोल दी थी। भारतीयों को यह दिखने लगा था कि वेस्ट कितना ताकतवर है, क्योंकि अगर यूरोप अपनी बर्बरता को नहीं रोक सकता है तो आखिर उसे क्या हक है कि वो दूसरे देशों पर शासन करना चाहते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया टूटकर बिखर रही थी, बहुत सारे भारतीय असल में युद्ध भूमि में एकजुट हो रहे थे। मुझे एक सिख घुड़सवार तारा सिंह का खत याद है, जिसे लिखा गया था 1916 में, कि किस तरह मार्सेल से लौटते वक्त वो पेरिस में 8 घंटे रुके और शहर का चक्कर लगाया और फिर लिखा, उस दिन हम सब ने एक ही टेबल पर एक साथ खाया। और लिखा कि हमारी कंपनी में शामिल हैं 5 सिपाही, जिसमें से 3 सिख हैं, 2 मुसलमान हैं, 2 सफाई कर्मियों के साथ 2 खानसामे भी हैं, लेकिन हम सब ने एक ही टेबल पर एक साथ खाना खाया। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि हमारा खाना मुसलमान बनाया करते थे। लेकिन हमारे बीच की ये धार्मिक दूरियां या ऊंच नीच वाली सोच युद्ध ने पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। उन्हें इसका एहसास हुआ कि वो भी उनके साथ लड़ रहे बाकी सोल्जर्स के बराबर ही हैं, क्योंकि वो भी वही काम कर रहे थे। उन्हें ये भी एहसास हुआ, जैसे मैंने औरतों और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया था, वहाँ एजुकेशन सबके लिए थी, और उन्होंने ये बात तय कर ली कि वापस आने के बाद वो भी उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम लागू करवाएंगे। उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी अहमियत क्या है। इंडिया ने उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था और ट्रीटी ऑफ वर्साय में इंडिया भी एक सिग्नेटरी था। लीग ऑफ नेशंस की फॉर्मेशन यहीं पर हुई थी, तो उस फाउंडेशन डॉक्यूमेंट में इंडिया का भी साइन है। इसकी वजह यह है कि ब्रिटेन ने इस बात को माना कि इंडिया ने भी वॉर में अपना योगदान दिया था और इसके बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। अगर आप ट्रीटी ऑफ वर्साइज पर नजर डालेंगे तो आपको उसमें एक इंडियन सिग्नेचर दिखेगा। ब्रिटिशर्स ने इसको काफी हाईलाइट किया था।
एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है जो आप लंदन के इंपीरियल वॉर म्यूजियम में देख सकते हैं। उसमें आपको पगड़ी पहने हुए दाढ़ी में एक बहुत ही सुंदर राजपूत नजर आएगा। वो बीकानेर के महाराज थे जिन्होंने साइन किया था। हालांकि इस नेगोशिएशन में उनकी किसी तरह की कोई भूमिका नहीं थी। उन्हें जहां साइन करने को कहा गया उन्होंने कर दिया। ब्रिटिशर्स ने भारत को डोमिनियन स्टेटस तो नहीं दिया, बल्कि वो उल्टा कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आए जिसमें सिर्फ उनका फायदा था। वो बिल्कुल वाहियात थे और इन रिफॉर्म्स में भारत को अपने मामलों पर फैसला लेने की पूरी छूट भी नहीं दी गई थी। चुनाव होने पर 250 में से सिर्फ एक भारतीय ही वोट डाल सकता था। इस तरह से हर चीज को अपने हिसाब से रखा गया था। और वोट भी करना है तो किस लिए? प्रोविंशियल काउंसिल में छोटे पोर्टफोलियोज में एडवाइजरी पोजीशंस के लिए।